हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया एक्ट द इंडियन पीनल कोड 1860 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो इंडियन पीनल कोड है, इसकी कुछ पहले हिस्ट्री बता देते हैं, उसके बाद इसके चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 1 to सेक्शन 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया में मोहम्मदन मुस्लिम शासक चल रहे थे, उस समय यहाँ पर मोहम्मदन ला लागू था। उसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, तब क्रिमिनल ला के बारे में कुछ बनाने के लिए सोचा कि जो वर्ल्ड में क्रिमिनल ला चल रहा है, उसके हिसाब से कुछ इंडिया के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो उसी क्रिमिनल लॉ को ही हम पीनल लॉ कहते हैं। क्रिमिनल लॉ आल्सो नोन एज पीनल लॉ। इसके बाद में क्या हुआ, द क्रिमिनल लॉ एडमिनिस्ट्रेटेड वाज द मोहम्मदन लॉ। मोहम्मदन लॉ जो चल रहा था, उसके ऊपर क्रिमिनल लॉ मतलब द इंडियन पीनल लॉ को ब्रिटिश शासक के द्वारा ब्रिटिश शासन काल में लागू किया गया। इसमें 1834 एंड 1837 मैकुले विद 3 अदर्स कमिश्नर्स मैक्लोइड एंडरसन एंड मेलेड प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट पीनल कोड फॉर इंडिया। जो मैकुले थे, उनके अंडर में 3 और कमिश्नर्स ने मिल करके 1834 और 1837 तक इस इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करने के बाद में इसे जब वे प्रस्तुत किया, द ड्राफ्ट वाज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856। 1856 में इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने रखा गया, लेकिन वहां पर बट ओविंग टू द म्यूटनी एंड टू ऑब्जेक्शन फ्रॉम मिशनरीज इट्स पासिंग वाज डिलेड टिल 6 अक्टूबर 1860। जब ये वहां प्रस्तुत किया गया, तब वहां पर इसको मिशनरीज के द्वारा डिले किया गया, कुछ ऑब्जेक्शन रखे गए, और उन ऑब्जेक्शन को जब तक दूर नहीं किया गया, तब तक इसे पास होने में डिले रहा। और जब वो सब अमेंड हो गया, तब 6 अक्टूबर 1860 को ये बन करके कंप्लीट रूप से तैयार हुआ। तैयार होने के बाद में ड्राफ्ट कोड विच वॉज पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1861 एक्ट नंबर 25 एंड केम इनटू फोर्स इन 1862। जब ये पास हो गया, कब, 1861 के एक्ट नंबर 25 से, उसके बाद ये इंडिया में इनफोर्स 1862 में हुआ। 1862 में इंडिया में ये इन्फोर्स हुआ। इसके बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट करे गए। इट हैज बीन रिनएक्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट्स इन 1872 एक्ट नंबर 10। ये पहले 1872 में इसका संशोधन किया गया, रिनएक्टेड किया गया, फिर 1882 में एक्ट नंबर 10 से, और उसके बाद 1898 में एक्ट नंबर 5 के द्वारा इसको रिनएक्टेड किया गया। तो ये इसका संक्षिप्त में हिस्ट्री रहा, कि जिसमें से इसको जो प्रोसेस बाय प्रोसेस ये इंडिया में कैसे वर्क किया, वो चीजें थी। अब इसके चैप्टर 1 के सेक्शन में आ जाते हैं, कि इसका सेक्शन 1 कहता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन इन द कोर्ट।
ये इसका नाम क्या होगा और ये लागू कैसे होगा, कहाँ कहाँ लागू होगा? तो इसमें कहा गया, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड। ये एक्ट किस नाम से जाना जाएगा? द इंडियन पेनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल इंडिया। और ये इस समय प्रेजेंट टाइम में संपूर्ण भारत पर लागू है। इसका सेकंड सेक्शन कहता है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, जो भारत के लोगों के द्वारा यहां पर इस संहिता के जो उपबंध है उनके द्वारा उनको पनिशमेंट किया जाएगा। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू बी पनिशमेंट अंडर दिस कोड। इसके जो सेक्शन है उन्हीं के तहत उनको पनिशमेंट किया जाएगा, जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया में या इंडिया द्वारा गवर्न जो चीजें हैं, जो प्लेसेस हैं, उन पर जो क्राइम किया जाएगा वो इस एक्ट के द्वारा पनिश किए जाएंगे। अब सेक्शन 3 में कहा, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब इसमें कहा कि जो जो पनिशमेंट किए जाएंगे वो इंडिया के बाहर परे होंगे, उनमें कैसे हो जाएंगे? कि एनी पर्सन लाइबल बाई एन इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड एंड एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। जो भारत के भीतर जो क्राइम किया गया या भारत के बाहर भारत से गवर्न जगह पर क्राइम किया गया या जो बाहरी पोत हैं, जहाज हैं, जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं या जो यहाँ के द्वारा चल रहे हैं, उन जगहों पर अगर कोई काम बियॉन्ड इंडिया किया जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन या उसका किसी तरह से भारत से लेना देना है तो वह इस एक्ट के तहत उनको सजा दी जाएगी। अब सेक्शन 4 का एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटरीज ऑफेंसेस। जो राज्य क्षेत्रीय अपराधों पर संहिता का विस्तार कैसे होगा उसके बारे में कहा गया कि नंबर फर्स्ट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। जो भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा जब कोई क्राइम किया जाएगा तब उसे इस एक्ट के तहत उसको सजा दी जाएगी। सेकंड बात कही, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, वह पोत या विमान या जो भारत की तरफ से उस पर लोग हैं उन पर कोई भी क्राइम किया जाता है, वो भारत के भीतर है या बाहर है, तो उस पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसका सब क्लास सेकंड कहता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करेगा उसके ऊपर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अभी इसमें सेक्शन 4 में कहा गया कि अगर भारत के भीतर है या भारत में वह चीज रजिस्टर्ड की गई
और वह उस समय बाहर है, यह भारत में वह लोग अपॉइंटेड हैं और बाहर वर्क कर रहे हैं, तो उनके साथ में जो क्राइम हो रहा या उनके द्वारा जो क्राइम हो रहा, तो वह इस एक्ट के तहत उनको सजा दी जाएगी। अब सेक्शन 5 की बात आती है, सेटिंग ला नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ विधियां जो इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाली जाएंगी, वो क्या होता है, जैसे आर्मी के एक्ट्स हैं, जो आर्मी के एक्ट हैं उन पर वो अपने रूल से वर्क करेंगे, या जो लोकल लॉज बने हैं जहां पर वो लागू हैं उन पर इस एक्ट का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बात इसमें सेक्शन 5 में कही गई कि वह अपने एक्ट के तहत जो इसके द्वारा प्रोवाइडेड है उनके तहत उनको सजा दी जाएगी, शेष जगह जो है वो इस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। तो अभी बात आती है कि चैप्टर 1 की सेक्शन 1 टू सेक्शन 5, इसमें वेरी इजी सेक्शन थे और इसकी हिस्ट्री कभी कभी पूछते हैं कि द इंडियन पिनल कोड क्या है, कब बना, कैसे बना, क्यों आवश्यकता हुई, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके चैप्टर 2 में डेफिनेशन है, उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।